बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है साहब का? खैर इतना लो ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम साहब खैर इतना हो, ठीक ठाक हो, खुश हो। तुम देख रहे हो पेंड ब्लॉग से शुरू कर दें ऐसी वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो वीडियो में लाइक शेयर लाजमी कर दो। अज तकरीबन सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है। चोर साहब जाना कि नहीं? जाना तो है, माल भी कर लो। चलो जी चलिए, चलो जी चलते हैं, फिर तुहाडे नाल गलबात करते हैं अगर रेडी से बैठ के। हाँ जी, अज बच्चा सुबह सुबह खा रहा तेल लस्सी दे विच पा के। गर्मी है, गर्मी च इन्हां नूं तेल बहुत चंगा होंदा, इन्हां नूं ठंडक भी मिलदी है। ते तेल दे दिए ते फिर पट्ठे पुट्ठे भी चंगे खाण लग जांदे। ते समझ लो कि इंजन दा असीं तेल बदलदे पए आ, इंजन दा तेल घट गया सी, तेल पा के पूरा करदे पए। खाला खाला शाबाश। पाई हुई है लस्सी, लस्सी भी इन्हों ठंडक दिंदी है, तेल भी इन्हों ठंडक दिंदा। तो तकरीबन एक पाइया तेल एक डंगर नू देईदा सी, एक खा लवे तो फिर बाकियां दी वारी भी आऊगी। इहदे विच असीं पा दित्ता सी गुड़, तो इस करके ये आप ही खा गया। इन्हें माशाल्लाह सारी कढ़ाई चट देनी है। देखो जी माशाल्लाह इन्हें खत्म करती है। ओ जिड्डी कह गई ना स्पीकर बहुत बड़ा फेटा। एक बोलोगे दूजी ने बोलना ही ना नहीं। बराबर का अंदर आ जिंदी है। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਵਾਤਾ ਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੀ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਦਈਦਾ ਨਾਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ सारी डोलती है दो। चलो जी मिर्चा गां ने खा लिया, रेडी तैयार है, चलते हैं बहुत। हाँ देखो हुण तेल चेंज होया ना इंजन दा, ते स्पीड देखो तुसी इहदी। चल शाबाश शाबाश। आ खैरां तेरियां। ढोला कल हुंदा नवां चेंज कीता तेल। हाँ खैर हो गई। इंजन तेल पा हो ना, इंजन ठीक हो गया। तुसी साडे पेंडुआं दे काम देखो, किसे दे काबू आ गया सी कां दे, उन्होंने ना इहनूं फड़ के ते टाकियां बन के निशानी लाती। तुसी देखो कां बैठा, उन्हूं रस्सी पाई हुई आ, उथों उथों उड़ के ते इधर आके बैठ गया। देखो रस्सियां दे नाल उदां ही लमकियां होईआं, किसे ने फड़ लिया सी ते फड़ के ने नाल रस्सियां बांधतीआं। कां नूं भी याद रहेगा कि मैं किसी दे काबू आया सी, ते नाल तुसी सूरज दा सोहणा नज़ारा भी देख लो। तो जी अज रेहड़ियां दा कड़मस पै गया ते रेसां लग गईआं। बाबा तू रहन दे, हां तेरा किथे बचना है ने कोठी तां मड़ी ना कोटा है ने किथे तुरना। ओ कैसे रे बजा, हाय बजाया बजाया इहनूं इधर आ। अग्गे बहु बजाया। ओ नहीं बहु बजाया है तू। लो जी रेस लग गई, फिर रेस शुरू हो गई, तो पर असी पिछे रह गए, तुहानू रेस का पूरा मजा नहीं दवा सकते क्योंकि साडा इंजन नहीं फिर तुरदा। शुरू शुरू जो चंगा भजया तो बस हो गई, फिर पहला पहला ही इहनूं जोश आंदा घरों निकलदे निकलदे, मुड़ के फिर चुप आ जाता। लो जी असी अज पट्टन लगे हैं लसन अल्लाह का नाम लैके। देखो जी मुंडे ने कम तक करता शुरू। लो जी माशाल्लाह निकल आया लसन, दिखाओ किदां दा निकला। लो जी साहब दा ही है, एडा ना मोटा ही होया ते ना एडा बारीक ही, दरमियाना जिहा ठीक ही है।
है देसी है दा रायका खाने वाला हुंदा लाल लसन कहंदे इहनू कहंदे आ जी लाल लसन आ तुसीं देख सकदे आ रंग लाल लाल हैगा चिट्टा लसन केड़ा हुंदा ना अज असीं तकरीबन एक क्यारा ही पटना वा ते बाकी आ लेना कल परसों नूं करांगे केड़ा चिट्टा लसन हुंदा ना ओह जल्दी खराब हो जांदा खराब ओह कहंदे मर जांदा लसन मर गया हुण असीं आ पट्टदे आ जी क्यारी ते नाले तुसीं नजारा करो कि लसन किदां पट्टी दा ए थोड़ा जिहा ना जगह सुख की जे गिला गिला होवे ना पानी लगे तो ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕਰੋ ਬਸ ਛੁਰਾ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ ਬੰਦ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਸਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੰਢੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮੋਟੇ ਗੰਢੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਨਾ ਆਹ ਪਾਈ ਸਵਾਹ ਗੋਟਾ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਾਹ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਪਵੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਥੀਆਂ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਈਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਿਆ ਸਾਡੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਮਣ 25 ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 40 ਮਣ 50 ਮਣ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਸਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਵੂਚਣੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਲਈਏ ਲਸਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਹ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਸਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਲਸਣ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਆਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਿਆਰਾ ਸੀ ਆਹ ਇਸ ਕਿਆਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਲਸਣ ਨਿਕਲਿਆ ਆਹ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਸਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਵਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
लो जी आ पूली बन गई है एक आ माशाल्लाह एक क्यारे का लसन ते पिछे क्यारे रह गए तीन इन्ने इन्ने तकरीबन उन्होंने चो भी निकल आना अल्लाह के हुक्म नाल सही निकल आया। बस ये है कि इस दफा इन्ना मोटा नहीं होया आ जड़े बाकी उतो वड वुड हो गए थे भी हूँ कट्ठे कुठे कर लिए चलो जी आ हो गया लसन अज का बाकी क्यारे जड़े दो रह गए दो तीन वो कल परसों पट लाँगे इंशाल्लाह। लो जी पट्ठे पुठे लदे गए लसन भी लिया के रख लिया तूड़ी भी लिया के रख ली तो तुर पे असं हूँ घर न घर पहुँचते हैं। एक तो यार जाले बूह तो बहुत लग रहे ये देख लो भी तो है कि रात रात में जाला बना के अपनी खुराक क्लोज करके खानी मकड़ियाँ हट दिया नहीं मूँह के उत्ते जाले लगते फिर आके फिर सानू जाले तोड़ने पैंदे आ फिर भी बुरा लगता। तो चलो जी हम चलते हैं घर घर चल के गलबात करांगे असं हम तुर पे हाँ अल्लाह के हुक्म ना असं पहुँच जाएंगे आस्ता आस्ता घर घर जा के करांगे फिर गलबात। कम देखो रेड़ी जोड़ के तुर पे मैं कहूँ अच्छा औखा औखा कद तुरद रस्सी का एक उस पार लाते एक उस पार बच्चे को तुरै ही नहीं जाता चल इन्हें सही कर चल आ लत्तां दोनों दोनों रस्सी तो अगे होनी चाहिए उन्हें एक लत्त उधर की एक उधर की जी हूँ टाइम हो गया जुमे का तो मैं कपड़े बदल तैयार हो गया तो पढ़ते हैं जुमा जुमा पढ़ के आ गए तो थोड़े न कर दें दोबारा गल जुमे का टाइम बिल्कुल हो गया तकरीबन कोई 15-20 मिनट रह गए तो मैं हूँ जल्दी जल्दी पहुँचता मस्जिद तो आप फिर कर रहे हैं गल वापसी तो जुमा पढ़ के आ गए। जी अलहमदुल्ला जुमा पढ़ आए हैं तो हूँ चलते हैं घर जी अलहमदुल्ला जुमा पढ़ के आ गए घर वापस तो असं दुआ करते हैं अल्लाह पाक तुम्हें खुश से आबाद रखे तुम रोज़े रखते रहो अल्लाह ताला की इबादत करते रहो अपनी नेमतों का फायदा चुकते रहो तो तुहानू बहुती तो बहुत खुशियां मिलन अल्लाह पाक तुम इदा ही खुश से आबाद रखे तो तुहाडे दिल की हर मुराद पूरी करे साडी दुआ अल्लाह पाक तुम इस रमज़ान के सदके अपना घर देखना नसीब करे तो हम चलते आप करते हैं आराम अपनी दुआवों से याद करते रहो तो हर अवतारी टाइम सारी टाइम साढ़े वास्ते दुआ लाजमी करते रहो इंशाल्लाह तुहाडे नाल मुलाकात होगी अगली वीडियो उदों तक तुसीं अपना बहुत बहुत ख्याल रखना हसदे वास्ते रहो तो अपने नाल दे हमसायां दा आस पास के लोगों का भी ख्याल रखियो तो पेंडू ब्लॉग देखते रहो नाले अपने चंगे चंगे कमेंट करके सानू दसदे रहा करो कि तुहानू साडी वीडियो किदां लगी असं इंशाल्लाह इदां चंगी तो चंगी वीडियो लैके तुहाडे वास्ते हाजिर हुंदे रहांगे उदों तक रब रखा अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखियो।